प्रदेश सरकार की 6 महीनों के कार्यकाल और प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार पर कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित तमाम कांग्रेसियों को जिम्मेवार ठहराया है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि केवल सुक्खू ही नहीं कांग्रेसियों को विपक्ष में रहना रास नहीं आ रहा है। ठाकुर ने कहा कि सुक्खू जिला हमीरपुर के कांग्रेस के 5 सालों के कार्यकाल और 6 महीने के कार्यकाल करवाए गए विकास कार्यों की तुलना कर सकते हैं। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि जहां कांग्रेस के कार्यकाल में जिला की अनदेखी हुई थी, वहीं भाजपा सरकार ने 6 माह में ही विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं विधायक ने नशाखोरी पर कांग्रेस की ऊना के संतोषगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कांग्रेसी नेताओं की शह में प्रदेश में नशा कारोबारियों को संरक्षण प्राप्त था, लेकिन अब बीजेपी सरकार नशे के ऊपर शिकंजा कसने के लिए स्पेशल एक्ट बनाने जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में नशे के कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और स्वयं हमीरपुर विधायक ने माना है कि हमीरपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में नशा कारोबार से जुड़े मामले में वृद्धि दर्ज की गई है और आए दिन कोर्ट में नशे के मामले सामने आ रहे हैं। आने हुए 6 महीने हो गए, लेकिन ये कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू की ही नहीं बल्कि जितने भी इनके नेता है और पदाधिकारी हैं उनको विपक्ष में रहना जो राज नहीं आ रहा है। जयराम जी की सरकार हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मेरा भी राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन इतनी ईमानदार सरकार मिलना प्रदेशवासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है बहुत। और 6 महीने में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं बाहर भी नहीं जाना चाहूँगा और सुक्खू जी भी हमीरपुर जिले के हैं। 6 महीने का कंपैरिजन अपनी 6 साल पिछले 5 साल की सरकार के डेवलपमेंट के हिसाब से हमीरपुर जिला में कर, चाहे वो रोड्स का ले लें, चाहे वो IPS की स्कीम ले लें, चाहे वो बिजली की मेंटेनेंस के बारे में ले लें, चाहे मेडिकल कॉलेज का जो मसला था वो पिछले कई सालों से लटका होता, और अगर प्रदेश में हमारी सरकार ना आती तो मैं ये दावे से कहता कि मेडिकल कॉलेज में खुलता ही नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें हम पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रदेश की सरकार जयराम जी की सरकार कर रही है। ये तो अभी 6 महीने ही हुए हैं, अभी आगे देखो कांग्रेस का क्या, कि कांग्रेस तो पूरे देश में ही ख़त्म है, हमें हिमाचल प्रदेश में कहाँ सर्वाइव कर पाएगी। ये बुखलाट में जो है उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और इसमें इनके बयानों में कोई भी सच्चाई नहीं है। कांग्रेसी नेता नशाखोरी कोई आज का एक दिन का ये नहीं है, ये पिछले कई सालों से मैं बतौर वकील भी यहाँ पे प्रैक्टिस करता रहा हूँ, यहाँ पहले भी कई किस्म के नशा के केसेस जो हैं कोर्ट में आते हैं, लेकिन ये ट्रेंड डे बाई डे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने आज भी, आपने पढ़ा होगा पेपर में, मैंने भी पढ़ा, कि नशाबंदी के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाने जा रही है। ये जो नशाबंदी बढ़ी है, ये पिछले आपने देखा होना कि जो ऊना में संतोषगढ़ कंस्टिट्यूंसी का एक इशू भी बना, इलेक्शन इशू भी बना, जितने भी हमारे बॉर्डर केसेस थे, यहाँ जो कांग्रेस के नेता थे वो स्वयं जो इनका धंधा करते थे ड्रग्स के उसमें इन्वॉल्व थे और उनको बचाने का काम एक और सरकार करती रही है। हमारी सरकार जो इसके ऊपर पूरा नियंत्रण कर रही है और आने वाले समय में आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे, हमारे समय के आंकड़े उनके समय के आंकड़ों में आपने कंपेरिजन करना। हमारी सरकार इसमें बड़ी सजग है और स्पेशल एक्ट जो है नशाखोरी के खिलाफ बनाने जा रही है, जैसे पंजाब की तर्ज पर जो पंजाब सरकार ने किया है वैसे ही हिमाचल प्रदेश में होने वाला।